नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ विकास दवे और आपका स्वागत है आपकी अपनी स्वदेशी बिजनेस आइडिया के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ मुनाफा कमाने वाले बिजनेस लेके आते रहते हैं, भले ही वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, मशीनरी वाले हो या बिना मशीनरी वाले, थोड़ा सा लागत लगा हो या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सके हो, ऐसे बिजनेस आइडिया हम आपके लिए लेके आते हैं। और आज भी आपके लिए एक ऐसा थॉट लेके आए हैं जो आप कम इन्वेस्टमेंट, मैं तो बोलूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट लगाए बिना आप अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओगे। तो और देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आप बोलोगे जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी तीन जो ऐप है उनके बारे में जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कंपलसरी कुछ चीजें आपके पास में होना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपके पास में होना जरूरी है, और उसके बाद में मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगा। तो उसमें से जो चीज है, वो पहली चीज है, आपके पास में टू व्हीलर या फोर व्हीलर होना जरूरी है, क्योंकि आप उससे ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर आपके पास में होना जरूरी है, उसके सिवा उसका लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। जो आपके पास में टू व्हीलर है तो टू व्हीलर का, या फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर का लाइसेंस आपके पास में होना जरूरी है। उसके बाद में उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि RC रहती है, उसका लाइसेंस रहता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, या तो उसका जो एनवायरमेंट का रजिस्ट्रेशन रहता है वो आपके पास में होना, PUC वाला सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। तो इतने लाइसेंस और इतने सर्टिफिकेट्स आपके पास में अगर होंगे और आपके पास में टू व्हीलर या फोर व्हीलर होती है, तो आप अपना बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हो। तो उसका अब हम जानते हैं कि इस जो तीन वेबसाइट मैंने आपको, तीन जो ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, वो तीन ऐप कौन कौन सी है। तो पहले उनका नाम बता देता हूँ और उसके बाद में हम बात करेंगे कि वो कैसे वर्क करती है, और उसके डिटेल में आपको थोड़ा बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ वो तीन ऐप कौन सी है। तो जिस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो तीन ऐप है। पहली ऐप पोर्टर, जिसका लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में जो दूसरी ऐप है, वो दूसरी ऐप है ओला उबर, जो एक ही थॉट पे काम करते हैं, तो वो दूसरी है ओला या उबर। और तीसरी है स्विगी, उसमें आप स्विगी, जोमेटो ऐसे आप ले सकते हो। तो ये तीन ऐप मेनली है, तीन पर्पस अलग अलग मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो अब आपको पता तो चल गया होगा कि मैं कैसा बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलो पहले से शुरू करते हैं। पहला है पोर्टर। पोर्टर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मेनली जो कॉमर्शियल, या तो आपको बोलता है कि आपका कोई भी सामान, कोई भी गुड्स हो, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए ये ऐप बनाया गया है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि आपको जाके आपका लॉगिन करना है। आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हो, एक तो अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो आपका सामान, तो आप कस्टमर के तौर पर, और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, यानी कि आपके पास में वो टू व्हीलर, फोर व्हीलर या तो हैवी व्हीलर जो व्हीकल है वो आपके पास में है, तो उसके जरिए भी आप लॉगिन कर सकते हो। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर मेरा एक फ्रेंड है, उसको अपना सामान है, वो सामान एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करेगा, पोर्टर पे जाएगा और पोर्टर पे अपना जो लोकेशन डालेगा, कहाँ से उसको लेना है और कहाँ पे छोड़ना है, वो लोकेशन डालने के बाद में वो कंफर्म करेगा, तो उसको दिखाया जाएगा कि आपको टू व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए या हैवी व्हीलर चाहिए, आपको किस टाइप के जो व्हीकल होता है वो व्हीकल चाहिए, तो वो उसमें से कोई भी एक व्हीकल चूज करेगा और कंफर्म कर देगा। तो उसके बाद में जो पोर्टर एप्लीकेशन है उस पे वो पूरा जो उसने डिटेल फिल किया वो डिटेल भेजी जाएगी, उसके जरिए पोर्टर वाले हैं वो जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो सिंक्रोनाइज करके उसके आसपास में जो भी व्हीकल अवेलेबल होगा, उसने जो कंफर्म किया होगा उस पे एक कॉल डालेंगे, और अगर उसके आसपास में पांच लोग हैं, पांच लोग में से एक मैं हूँ और मैंने कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं जाऊँगा उसके लिए,
तो मेरे पे वो कॉल आ जाएगा, जो कस्टमर है उसकी पूरी डिटेल मेरे पे आ जाएगी और मेरी डिटेल कस्टमर को चली जाएगी। उसके बाद में हम कॉल पे तो उनसे बात करके उनका लोकेशन जान के वहाँ पे जाना है, उनका जो माल है जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो उसके बाद में जो भी पेमेंट होता होगा वो पेमेंट मुझे मिल जाएगा, उसमें से 10% पोर्टर रख लेता है और बाकी का जो भी होता है वो मेरे को दे देता है। एग्जाम्पल बाय 350 रुपये वो ट्रिप का हुआ, तो 35 रुपये है वो जो पोर्टर वाला होगा वो अपने पास रख लेगा और उसके बाद में जितना भी बचेगा वो सब मेरे को दे देगा, यानी कि 315 रुपये के आसपास में जो भी बचेगा वो मेरे को आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो पोर्टर पे लॉग इन करके। और दूसरी चीज क्या है कि एक दिन में अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर इसमें से करते हो तो एक दिन में ज्यादा नहीं तो आप 5 से 6 ट्रिप तो आसानी से लगा सकते हो। लंबी होगी तो 3 ट्रिप या 4 ट्रिप लगाओगे, बट छोटे छोटे होगी तो 4 से 5 ट्रिप लगा के आप आसानी से अपने घर में 1000 से 1500 रुपये एक दिन का कमा सकते हो। और उसमें से अगर आपका गैस है या तो पेट्रोल डीजल का है तो 200 या 400 रुपये आप अंदर से निकाल लेते हो तो भी 800 से 1000 रुपये तो आपके घर में बच ही जाएंगे। इसी ये जो लॉगिन करके पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तो एक दिन का आपका 1000 रुपये हम गिन के चलते हैं, 1000 रुपये आप कमा लेते हो पोर्टल से, तो पूरे एक महीने में 30,000 इससे ही कमा पाओगे। तो ये बस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जब आपको ऑनलाइन होना है तब ऑनलाइन होके ट्रिप ले सकते हो और ऑफलाइन होना है तो ऑफलाइन होके भी आप अपना दूसरा काम कर सकते हो। ये बोलते ना फ्रीडम वाला बिजनेस हो गया ये, तो ये पोर्टल से आप ऐसे कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस के बारे में। तो जो दूसरा बिजनेस मैंने आपको बताया था ओला उबेर, तो वो क्या है आपको वो तो पता ही होगा कि ओला उबेर एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती है, वन टाइप ऑफ टैक्सी सर्विस। तो बस उस पर ही आपके पास में जो मैंने पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस वो बताया है वो आपके पास में हो तो आप आसानी से उस पर भी लॉग इन कर सकते हो और उस पर आप अपनी ट्रिप चालू कर सकते हो। जैसे ही पोर्टल पे आप अपनी ट्रिप लॉग इन करते हो और चालू करते हो बस उसी तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंट होगा वो मैं आगे जो मेन डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा उस पर आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा और लॉग इन करके दिखाऊंगा कि आप कैसे उस पर लॉग इन कर सकते हो। तो बस उसी तरीके से आपको अपना लॉग इन करके आपका जो बिजनेस है वो आप उससे शुरू कर सकते हो। और जैसे पोर्टल में होता था कि 10% पोर्टल वाला रख लेता था और उसके बाद में बाकी का यहाँ दे देते था जो व्हीकल वाला होता था उसको, तो बस इसमें भी ऐसा ही होता है कि 10% से 15% जो चार्ज रहता है वो ओला उबेर रख रहता है और उसके सिवा जितना भी चार्ज रहता है वो आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो ओला उबेर से भी। दोनों सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अलग अलग है बट आप दोनों पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो एक ही साथ में। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो दोनों पे लॉग इन कर लो और जिस पे आपको ट्रिप मिलती है वहां पे जाओ और दूसरा ऑफलाइन कर दो, जिस पे आपको ट्रिप मिले उस पे ऑनलाइन रह के दूसरा ऑफलाइन कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप इससे बिजनेस कर सकते हो और इससे भी आप बहुत ही आसानी से, ज्यादा नहीं बोलता हूँ तो 1000 से 1500 रुपये तो कमा सकते हो, यानी कि महीने के आप 40 से 50,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हो इसी बिजनेस से। और आप घर पे हो तो घर पे तो रह ही सकते हो, तो बड़ी आसानी से आप फ्रीडम के साथ में ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्विस के बारे में। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि स्विगी जोमेटो वो, तो उस पे आपके पास में अगर 2-व्हीलर है या 3-व्हीलर है 4-व्हीलर है तो आप बड़ी आसानी से इस पे भी लॉगिन करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। स्विगी जोमेटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फूड प्रोवाइडर यानी कि जो फूड बनाता है और जो कस्टमर है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है कि जो फूड बनाता है उसके पास से फूड लेके कस्टमर के वहां पहुंचाता है। तो उसके लिए बहुत अलग अलग स्कीम होती है वो आपको जो जोमेटो और स्विगी जो एप्लीकेशन होगी उसमें मिल जाएगी। तो आप आसानी से उसमें लॉग इन करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और आपको अगर आप शुरू करते हो तो आपके आसपास में जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उनकी लिंक आप में आएगी। जो अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने कोई भी आपके आसपास में है वहाँ पे होटल में ऑर्डर किया कोई भी फूड,
तो वो वहाँ पे जाएगा स्विगी जोमेटो में और आपको एक लिंक आएगा, तो आपको होटल में जाना है, वहाँ से फूड कलेक्ट करके मेरे पास आपको भेज देना है। बस इतना ही काम आपका रहेगा। अगर आपके पास में टू व्हीलर है तो आप बड़ी आसानी से ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, और महीने के ज्यादा नहीं बोलता हूँ तो 25 से 30,000 रुपए तो आसानी से कमा सकते हो। तो ये तीन बिजनेस आइडिया से आप घर पे रहके फ्रीडम के साथ में और बड़ी आसानी से जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और बड़ी आसानी से 25 से 50,000 तक का मुनाफा कमा सकते हो। सब कुछ निकाल के 25 से 50,000 तक का मुनाफा कमा सकते हो। तो बस ये बिजनेस आइडिया मैं इसीलिए लेके आया था कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू कर पाए और बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। तो ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और जीरो इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सके, ऐसे बिजनेस आइडिया आप जान सके और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप बिजनेस कर सके। तो बस आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा और दूसरों के साथ में शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो बस इसी के साथ में ये पूरा वीडियो मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।